स्वागत है आप सभी का अध्ययन केंद्र में। इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं लुसेंट ऑब्जेक्टिव, जिसका चल रहा है भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास में भी अभी हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री, मीन्स आधुनिक भारत, और इसका ये 19वां एक्सरसाइज है। 19 का 2 है, इससे पहले हमने पढ़ चुका है। तो ये है नरमपंथी और उदारवादी चरण, जो कि 1885 से लेकर 1905 तक चला था। एग्जाम के लिए ये काफ़ी बेनिफिट पहुँचाएगा आपको। तो स्टार्ट करते हैं इसके पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को क्या कहा जाता है? ये होता है उदारवादी चरण। उदारवादी चरण भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 ईस्वी प्रसिद्ध है। 1885 क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि इसी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था 28 अक्टूबर को। 28 अक्टूबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था। आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन यही हुआ था। जरा कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है कि ये जो पहला अधिवेशन हुआ, या फिर ये जो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय है, ये कौन से स्टेट में है, राइट? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। फिर दूसरे बने SN बनर्जी। 1885 से 1905 के काल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। उनके आंदोलन का प्रमुख ढंग क्या था? ये संवैधानिक आंदोलन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई? चलो, मैंने जो प्रश्न पूछा उसका आंसर आ गया बम्बई। इसमें पहला दिन जो हुआ था उसमें 72 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, याद रखिएगा। उसमें SN बनर्जी को अध्यक्ष बनाया जाना था, पर वो किसी कारणवश नहीं आ पाए, इसीलिए व्योमेश चंद्र बनर्जी WC बनर्जी को अध्यक्ष बनाया गया। निम्नलिखित कांग्रेस नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ये बहुत बार पूछा गया है। दादा भाई नेहरू जी। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? ये था लॉर्ड डफरिन। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? ये हुआ था लॉर्ड कर्जन। देखो, आप लोगों को मैंने एक बार और कहा था, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जितने भी गवर्नर जनरल हुए उस सब का नाम और वो उनका टेन्यूर कितने काल तक रहा, उनका पीरियड कितने समय तक रहा, वो आप याद रखो। जैसे अभी मैंने ये प्रश्न पूछा 1904 में वायसराय कौन था, याद होगा 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, उस टाइम में लॉर्ड कर्जन ही था। तो अगर आपका उसका टेन्यूर याद रहेगा ना, आसानी से आप टिक कर पाओगे। मीन्स आपका 10% या 15% समझो मॉडर्न हिस्ट्री वैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, अगर आपका वो याद हो गया तो। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था? ये था सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। और सिविल सेवा में ओपन कंपटीशन जो लागू हुआ, ये कब लागू हुआ था? 1853-54 के आसपास, उस टाइम में लॉर्ड डलहौजी गवर्नर थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक थे। इतना बड़ा नाम याद रखो, यानी तो ए ओ ह्यूम, एनल ऑक्टोबियन ह्यूम। ए ओ ह्यूम, बस ह्यूम से आपका काम चल जाएगा, वैसे यहाँ भी ह्यूम लिखा है। ऑक्टोमम ह्यूम या ऑक्टोबियन ह्यूम, याद रखो, पूछा जाता है ये एग्जाम में कैसे भी करके। एक ही ब्रिटिश था जो हेल्प किया था कांग्रेस स्थापना के लिए। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है ए ओ ह्यूम को। वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? ये था दादा भाई नेहरू जी, ग्रैंड ओल्ड मैन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि दादा भाई नेहरू जी के बारे में इसमें से कौन सा कथन सही है। तो 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, ये सही है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस पुस्तक की रचना की थी, ये भी सही है, राइट? क्योंकि इसे पहले वाले वीडियो मैंने पढ़ा है कि इसके रचनाकार कौन थे, दादा भाई नेहरू जी। तो 1 और 2 दोनों सही है, जबकि ये गलत है कि नेशनल कांग्रेस की स्थापना किए थे, ये किए थे ए ओ ह्यूम के द्वारा किया गया था नेशनल कांग्रेस का स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन लगभग आखिरी समय तक पूना से बम्बे स्थानांतरित किया गया, क्योंकि इसका मुख्य कारण क्या था? पूना में हैजा फैलने के कारण संयोजक कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का स्थान पूना से बम्बे बदलने पर मीन्स विवश हुआ। मेन कारण क्या था? वहाँ पे हैजा फैल गया था। द नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया था? ये थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी।
यही है एस एन बनर्जी, कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष। 19वीं सदी के अंतिम चतुर्थांश में वह कौन सा तत्व था जिसने भारत में एक समान राष्ट्रीय दृष्टिकोण के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाया? ये थे देशों का प्रशासनिक एवं आर्थिक एकीकरण, पाश्चात्य विचार एवं शिक्षा, प्रेस एवं साहित्य की भूमिका एवं भारतीय अतीत का पुनर्वेशन। यहाँ पे आंसर है डी, उपरोक्त सभी सही है। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के पीछे कुछ तात्कालिक कारण थे, निम्नलिखित में से कौन सा कारण उसमें से शामिल नहीं था? तो यहाँ पे ये कारण गलत है, जबकि तीन कारण सही है, उनको पढ़ना होगा। 1878 में शस्त्र अधिनियम और भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम। फिर है 1877 ईस्वी में दिल्ली में आयोजित शाही दरबार, जब संपूर्ण भारत अकाल की चपेट में आया था, और 1883 ईस्वी में इलवर्ट विधेयक पर विवाद हुआ। इस तीन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का कुछ लिंक जुटा हुआ था। किस ब्रिटिश वायसराय ने 1880 के दशक के प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया? यह था लिंटन। आंसर है यहाँ पे बी, लिंटन द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जनपद सेवा, जिसके तहत परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई, ये कब लागू हुआ था? ये हुआ था 1878। एलवर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था? ये उभरा था लॉर्ड रिपन के टाइम में। भारतीय संघ या इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ये थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। भारतीय संघ या इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? इनमें से कौन एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं? तो दादा भाई नेहरू जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न में से किसको नरम दलीय नेता के तौर पर नहीं जाना जाता है? मीन्स इनमें से कौन गरम दल के नेता है? तो वह है बाल गंगाधर तिलक गरम दल के नेता। याद रखिएगा, नेशनल कांग्रेस का जो भी अध्यक्ष बना वो संभवतः सभी नरम दल के नेता थे। गरम दल के नेता से आप एलिमिनेट कर सकते हो उसको, वो अध्यक्ष कभी नहीं बना। तो दादा भाई नेहरू जी, गोपाल कृष्ण गोखले और MD रानाडे जो था वो नरम दल का नेता था, जबकि बाल गंगाधर तिलक गरम दल का नेता था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई? अभी पढ़े थे 1885। डेट भी याद रख लो 28 अक्टूबर। नहीं याद रखे तो भी कोई बात नहीं, इस भी याद रखना है। निम्न में से कौन नरमपंथियों में से नहीं थे? इनमें से कौन सा नरमपंथी नहीं था, मीन्स वो गरमपंथी था? वो थे बाल गंगाधर तिलक, जबकि GS गोखले, R सिद्धार्थ और WC बनर्जी क्या थे? नरम दल के थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक, मीन्स वो किस टाइप के थे? वो एक असैनिक सेवक थे, असैनिक सेवक। अधिकतर नरमपंथी नेता थे, मीन्स वो कहाँ से या किस क्षेत्र से आए थे? तो वो शहरी क्षेत्र से थे, नरमपंथी शहरी क्षेत्र से थे। 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? वो था लॉर्ड कर्जन। निम्नलिखित में से किसके संगठन के आधार को क्रमवार सजाना है, मीन्स कौन कौन सा संगठन कब बना था उसको टाइम के अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना होता है। तो सबसे पहले हुआ था इंडियन एसोसिएशन का स्थापना, इंडियन एसोसिएशन, फिर हुआ इंडियन लीग, फिर मद्रास महाजनपद सभा और लास्ट में बॉम्बे एसोसिएशन। आंसर यहाँ पे था सी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष या मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? वो थे बदरुद्दीन तैयब। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा वो कौन थे? वो थे दादा भाई नेहरू जी। किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना चाहता हूँ? ये कहा गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किनके द्वारा किया गया था? गोपाल कृष्ण गोखले। देखो, कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था सारा रटना तो मुश्किल है, मीन्स जैसे 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था तो उस टाइम में कौन था, पूर्ण स्वराज की संकल्पना कब की गई थी वो इम्पोर्टेंट है, वो याद रखो, गरम दल नरम दल कब अलग हुआ वो याद रखो, मीन्स जिसमें कुछ ऐसा इवेंट हुआ जो कि हिस्टोरिक है वो आपको याद रखना होता है, उसके अध्यक्ष कौन है और वो कहाँ हुआ था।
निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे, जिस टाइम स्थापना हुआ था उस टाइम में वो उपस्थित नहीं थे, वो थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इसको मैं स्टार्टिंग में ही बोल चुका था कि जब कांग्रेस का स्थापना हो रहा था उस टाइम में ये किया गया था कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी को उसका अध्यक्ष बनाया जाएगा, पर वो उस सम्मेलन में उपस्थित नहीं हो पाए जिसके कारण WC बनर्जी को मीन्स BMS चंद्र बनर्जी को बनाया गया अध्यक्ष। तो इसे इस प्रश्न का आंसर मिल जाता है कि कौन सा स्थापना में नहीं गए थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, और पहले अध्यक्ष कौन थे, WC बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, वही प्रश्न है, तो WC बनर्जी। इसको हिंदी में कहीं कहीं ब्योमोस चंद्र लिखते तो कन्फ्यूज नहीं करना, वही है ये। भारत के पहले लोक संघ या लैंड होल्डर सोसाइटी के संस्थापक कौन है, ये थे 1837 में हुआ था लैंड होल्डर सोसाइटी का स्थापना। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए किया गया था, किससे संबंधित था, तो जमींदार से। लैंड जब भी लिखा है तो जमीन से होगा। दादा भाई नेहरू जी ने 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी, कहाँ पे, लंदन में। 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किनके द्वारा किया गया था, महादेव गोविंद रानाडे ने 1870 में पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना किया था। नेक्स्ट प्रश्न, इन कथनों पर विचार करना है, मीन्स कौन सा सही है कौन सा गलत है यहाँ पे। तो पहला गलत है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कोलकाता में हुआ था, बम्बे में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नेहरू जी की अध्यक्षता में हुआ था, ये आपका सही है। वन मिनट, जिसका कहाँ पे हुआ था, कोलकाता में हुआ था दूसरा अधिवेशन। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न हुआ, ये भी सही है। तो 2 और 3 यहाँ पे क्या है, सही है, आंसर नंबर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक सत्र मीन्स 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद ने भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी, यह किया गया था द डक्कन एसोसिएशन के अंतर्गत प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की गई थी। निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त कर दिया गया था, मीन्स उन्हें निकाल दिया गया था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। लैंड होल्डर सोसाइटी कोलकाता के संस्थापक कौन थे, द्वारकानाथ टैगोर। नेक्स्ट है, यहाँ पे आपको सुमेलित करना है, संस्था दिया गया और उसके वर्ष दिए गए हैं। तो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इसके संस्था इसका स्थापना कब हुआ था, 1843 में। मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852, पूना सार्वजनिक सभा 1870 और इंडियन एसोसिएशन 1876। नेक्स्ट, फिर से आपका सभा दिया गया है और इसके आगे उसका ईस्वी दिया गया है, सुमेलित करना है। तो मद्रास महाजन 1884, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885, इंडियन एसोसिएशन 1870, कांग्रेस 1885 में स्थापना हुआ था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने कांग्रेस के जन्म से पहले किस राष्ट्रवादी पार्टी की स्थापना की जो कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठनों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण था, ये था इंडियन एसोसिएशन। आंसर है यहाँ पे बी। इंडियन एसोसिएशन के मुद्दे पर सार्वजनिक आंदोलन कब शुरू हुआ था, ये हुआ था भारतीय प्रशासनिक सेवा के नियम में सुधार और परीक्षा में बैठने की अधिकतम उम्र को बढ़ाने के लिए यह आंदोलन शुरू हुआ था, आंसर है यहाँ पे ए। फिर उसे घटाकर 19 कर दिया गया था। इंडियन एसोसिएशन द्वारा कोलकाता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था, ये हुआ था 1883 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हो गया, ये हुआ था 1886 में। दोनों का विलय हुआ, इंडियन एसोसिएशन और भारतीय नेशनल कांग्रेस का। नेक्स्ट यहाँ पे सुमेलित करना है आपको, कांग्रेस का उद्यम सभी मत और उसके प्रतिपादक कौन थे। तो यहाँ पे रहस्यमय उद्गम, ये थे पट्टामी सीतारमैया, थियोसोफिस्टो की योजना, एनी बेसेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये थियोसोफिस्टो, एनी बेसेंट, डफरीन का षड्यंत्रकारी दिमाग की उपज, WC बनर्जी, सुरक्षा कपट का सिद्धांत दिया गया था लाला लाजपत राय के द्वारा। फिर यह पुस्तक और उसके लेखक दिए गए हैं, आपको सुमेलित करना है।
तो हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, पट्टाभी सीतारामैया, द हाउस फॉर द फ्रीडम, ये एनी वेसेंट, इंडिया टुडे आर पी दत्त, और 1857 एक बुक है इनके हैं, एस एन सेन। एस एन सेन आंसर ए यहाँ पे सही था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिभागियों ने भाग लिया? 72। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता दो बार की? इनमें से किनके द्वारा दो बार किया गया? तो वेडरबर्न ने दो बार अध्यक्षता किया। किसने कहा था, ब्रिटिश शासन एक अस्थायी बढ़ता हुआ तथा लगातार बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है जो धीरे धीरे ही सही मगर पूरी तरह से देश को नष्ट कर रहा है? ये कहा गया था दादा भाई नेहरू जी के द्वारा। निम्नलिखित में से किसने एक सार्वजनिक भाषण के में राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया और उन्हें जनता के एक बहुत ही सूक्ष्म मीन्स माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी का प्रतिनिधित्व बताकर उसकी हंसी उड़ाई? मीन्स इसका ये था कि बहुत ही कम लोगों का ये प्रतिनिधित्व कर रहा है, ये कहा गया था डफरिन के द्वारा। किसने कहा था कि मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है क्योंकि यह राजद्रोही संस्था है और इसके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं? ये कहा गया था एल्गिन द्वितीय के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन कौन कांग्रेस के विरोधी थे? इसमें से कांग्रेस का विरोध किनके द्वारा किया जाता था? तो सैयद अहमद खां, हैदराबाद के नवाब, बनारस के राजा शिव प्रसाद और दिनास मानकाजी पेटिट, ये चारों कांग्रेस का विरोध करते थे। आंसर यहाँ पे डी सही है। उदारवादियों की कार्य पद्धति के साधन थे, उसके साधन थे प्रार्थना, याचना और विरोध। उदारवादियों की कार्य पद्धति में किसने भीखमंगी राजनीति पॉलिटिकल मेंडिक्रेसी की संज्ञा दी है? ये दिया गया था उग्रवादियों के द्वारा, मीन्स गरम दल के लोगों के द्वारा। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की थी? ये किया गया दादा भाई नेहरू जी के द्वारा 1904 ईस्वी में स्वशासन की मांग। उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान था ब्रिटिश शोषित नीति और जनता का ध्यान खींचना। ये उदारवादियों का एक प्रमुख काम था। किसने कहा था, हमें मर्दों की तरह खुलकर करना चाहिए कि हम अपनी मज्जा तक राजभक्त हैं, हमें अंग्रेजी राज से हुए फायदों का ज्ञान है? ये कहा गया था दादा भाई नेहरू जी के द्वारा। किसने कहा था कि भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर उसे ब्रितानी कब्जे में रखा जाएगा? ये भी कहा गया था एल्गिन द्वितीय, दोनों एक ही टाइप के थे। किसने उदारवादियों के संबंध में कहा, अपनी शिकायतों का निवारण करने तथा रियासत पाने के लिए उन्हें 20 साल से अधिक समय कमोबेश जो आंदोलन चलाया था उसमें रोटियों की बजाय पत्थर मिले थे? ये लाला लाजपत राय के द्वारा कहा गया था। किस उग्रवादी नेता ने उदारवादियों के संबंध में कहा था कि यदि हम साल में एक बार मेढक की तरह टरटरा कर चुप होते हैं तो हमें कभी भी अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी? ये कहा गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। 1897 में किसकी गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक नया मोड़ ले लिया? बाल गंगाधर तिलक मीन्स वो जेल में गए, उसके बाद एक नया मोड़ लिया। निम्नलिखित में से किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस के गरम दलीय राजनीति की व्यवस्था आलोचना न्यू लेफ्ट फॉर ओल्ड शीर्षक लेखों की श्रृंखला में की? अरविंद घोष ने। तो टोटल 67 प्रश्न थे। उम्मीद करते हैं ऐसे कुछ सीखने का मौका मिला होगा और आपके एग्जाम में ये हेल्प करे, क्योंकि सारे प्रश्न इसके इंपॉर्टेंट थे और स्टार्टिंग वाले प्रश्न तो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। लास्ट वाले कुछ प्रश्न हैं जो पूछे नहीं जाते अधिकतर एग्जाम में, पर रिवाइज कीजिएगा, कभी कुछ भी पूछा जाता है। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया हो डिसलाइक भी कर सकते हैं, पर कारण जरूर बताइएगा ताकि हम वीडियो को इम्प्रूव कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।